नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल की खबरों में। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। अवैध खनन कार्य करते समय माइक कंप्रेशर मशीन व विस्फोटक सामग्री सहित एक गिरफ्तार। सरमथरा जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैराना के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध खनन करने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथरा थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा देर रात की गई कार्यवाही के दौरान अवैध खनन कार्य करते हुए एक ट्रैक्टर माइक कंप्रेसर एवं ड्रिल मशीन एवं विस्फोटक सामग्री सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं इस संदर्भ में थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा देर रात की गई कार्यवाही के दौरान हरलालपुरा के जंगलों से एक ट्रैक्टर बिना नंबरी में कंप्रेसर मशीन एवं ड्रिल मशीन, 160 मीटर लाल बत्ती व 20 गुल्ला जिलेटिन की छड़, एक डिब्बी में 25 डोटिनेटर को मौके से जब्त करते हुए ट्रैक्टर चालक लोहर सिंह मीणा निवासी लोकुपुरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने जब्त विस्फोटक सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से सुरारी कला स्थित मैगजीन में रखवाते हुए उक्त मुलजिम के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी गौरव कुमार, कन्हैयालाल समुद्र सिंह, नरसी राम, सुरेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर के दिहोली गांव में शुक्रवार रात एक युवक का खेत में संदिग्ध हालत में शव मिला। युवक शुक्रवार शाम को घर से निकला था। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। युवक का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित करते हुए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। दिहोली थाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि गांव का रहने वाला युवक शिशुपाल, उम्र 40 साल, पुत्र लाचारी का शव खेतों में पड़ा हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने खेतों में पड़े युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित करते हुए शव को मोर्चरी में रखवा दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना को लेकर परिजनों ने किसी भी तरह की स्पष्ट जानकारी नहीं दी। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद मामले में अगली कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवाया गया है। राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोहरा ने आज राजाखेड़ा विधानसभा के ओलावृष्टि प्रभावित पंचायतों का दौरा किया, जहां उन्होंने किसानों के साथ ओलावृष्टि से हुई फसल के नुकसान का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। विधायक रोहित बोहरा ने बताया कि राजाखेड़ा विधानसभा में कल शुक्रवार शाम तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही तेज अंधड़ और ओलावृष्टि से कुछ मकाने भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और लोगों को भी चोटें आई हैं। आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाया जाए। आपको बता दें कि कल शुक्रवार शाम पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हुई ओलावृष्टि और तेज अंधड़ से गेहूं सहित अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसी के साथ कई लोगों को चोटें भी आई हैं। बाड़ी उपखंड की कोतवाली थाना पुलिस ने चाइल्ड लेबर को लेकर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के अलीगढ़ गुरोड़ गुमट से एक दोना पत्तल फैक्ट्री से बाल श्रम कर रहे 7 बालकों को मुक्त कराया है। साथ में फैक्ट्री संचालक के खिलाफ बाल श्रम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैराना द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें बाल श्रम को लेकर फोकस किया जा रहा है। ऐसे में एडिशनल SP कमल किशोर जांगीर और बाड़ी CO नरेंद्र कुमार के सुपरविजन में मुखबिर की पुख्ता सूचना मिलने पर शहर के अलीगढ़ रोड गुमट क्षेत्र में चलने वाली एक दोना पत्तल की फैक्ट्री पर जाकर जब निरीक्षण किया तो वहां महिलाओं के साथ बाल श्रम करते हुए 7 बच्चे पाए गए, जिनमें 2 बालिकाएं और 5 बालक शामिल हैं। इन सभी बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। साथ में फैक्ट्री संचालक राजेंद्र गोस्वामी पुत्र द्वारका प्रसाद गोस्वामी निवासी अलीगढ़ रोड बाड़ी के खिलाफ मामला दर्ज
कर दिया है। बीए फर्स्ट ईयर की पहली वर्ष का पेपर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। कमला कॉलेज स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर में प्रथम वर्ष बीए फर्स्ट ईयर का पहला पेपर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें टोटल 609 विद्यार्थी थे। उनमें से उपस्थित 587 विद्यार्थी रहे एवं 22 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक रखा गया। कमला कॉलेज स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीएस तिवारी एवं अध्यक्ष डॉक्टर रामराज शर्मा के मार्गदर्शन में बीए फर्स्ट ईयर का पहला पेपर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। पेपर जब 1:30 बजे संपन्न हुआ तो करीब 15 मिनट तक कॉलेज के बाहर जाम की स्थिति देखी गई। वहीं विद्यार्थियों ने बताया कि पेपर में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हुई। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला सोशल मीडिया प्रभारी और आईटी संयोजक बनने पर हिमांशु पाल का भाजपाइयों ने किया स्वागत। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और ओबीसी मोर्चा प्रदेश चंपालाल गैदर, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर की अनुशंसा पर ओबीसी मोर्चा भाजपा के जिला अध्यक्ष दुष्यंत भगेल के द्वारा नवनियुक्त ओबीसी मोर्चा भाजपा के जिला सोशल मीडिया प्रभारी और आईटी संयोजक हिमांशु पाल को बनाया गया, जिनका भाजपा कार्यालय पर ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष दुष्यंत भगेल और अन्य भाजपाइयों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया और नवनियुक्त दायित्व मिलने पर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की। जिला सोशल मीडिया प्रभारी हिमांशु पाल ने कहा कि भाजपा के द्वारा इतनी अहम जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसका मैं निर्वहन करूंगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजाखेड़ा ने राजकीय महाविद्यालय में परीक्षार्थियों का तिलक लगाकर दी शुभकामनाएं। राजाखेड़ा राजकीय महाविद्यालय में बीए प्रथम सेमेस्टर के परीक्षार्थी परीक्षाओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर बड़े हर्षोल्लास के साथ दी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। नगर मंत्री गोविंद कुमार पतंजलि ने कहा कि भारतीय संस्कृति के अंदर तिलक को शुभ माना जाता है और यह किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले किया जाता है। कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शुभ मांगलिक तिलक कार्यक्रम से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर ने छात्र छात्राओं को बताया कि आपको परीक्षाओं से घबराना नहीं है, धैर्यपूर्वक परीक्षा देनी चाहिए, बल्कि परीक्षा जीवन में सफलता का दरवाजा खोलती है। छात्र छात्राओं में खुशी की लहर देखी गई। इस मौके पर अभिषेक, दुष्यंत, वीरेंद्र, कालीचरण, बंटी, ललिता, संगीता, वर्षा, चांदनी, रोशनी, पूर्व नगर मंत्री राम सिकंदर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। धौलपुर में पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरणा के निर्देशन में चलाई जा रहे 100 दिवसीय कार्य योजना अभियान के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी पर महिला से मारपीट कर छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज था, जिसकी पुलिस पिछले एक साल से तलाश कर रही थी। महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार ने बताया कि साल 2016 में एक महिला ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि आरोपी विष्णु पुत्र हाकिम सिंह गुर्जर निवासी लायकपुरा थाना बाड़ी सदर ने उसके साथ मारपीट करते हुए छेड़छाड़ की है। मामले को लेकर आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया था। थाना प्रभारी ने बताया कि फरार चल रहे आरोपी की तलाश में पुलिस कई बार दबिश दे चुकी थी, जिसके बाद थाने के हेड कांस्टेबल अशोक सिकरवार को सूचना मिली थी कि आरोपी अपने गांव आया हुआ है। सूचना पर थाने से हेड कांस्टेबल अशोक के साथ कांस्टेबल जोगिंदर सिंह और ड्राइवर कांस्टेबल सत्य सिंह को मौके पर भेजा गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के गांव में आने की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। महक चांदी पोशाक ग्रुप ने मनाया फागुत्सव और गड़गोड़ उत्सव।
होटल उदयगढ़ पैलेस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की संयोजिका कानूनकर ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आकर्षक गेम सहित समूह नृत्य, अकेला नृत्य करवाया गया, जिसमें महिलाओं ने खूब आनंद लिया। कार्यक्रम में बेस्ट ड्रेस का पुरस्कार दिया गया। मिसेज भाग का पुरस्कार सुमन को दिया गया, मिसेज गनगौर पिंकी रही। कार्यक्रम में खेलों के दौरान नींबू रस, म्यूजिकल, चेयर रेस जैसे खेल खिलाकर महिलाओं ने खूब आनंद लिया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट नीतू शेखावत ने फाल्गुन माह की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि इस प्रकार के उत्सवों ने हमारी संस्कृति को सजो कर रखा हुआ है। महक चंडी प्रसाद की निदेशक पिंकी ने सभी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को सफल करने हेतु सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए संबल प्रभाव।